आधारभूत संरचना को लेकर जी, आधारभूत जो संरचना थी कांग्रेस के काल में उसमें इन्होंने क्या इजाफा किया, इन्होंने एक चीज एक एक भी नहीं बताया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र, रेफरल हॉस्पिटल्स, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेज जो कांग्रेस के काल में हुआ, उसमें इन्होंने एक अधूरा मेडिकल कॉलेज को जोड़ा है जिसकी अभी तक पूरी तरह से उसको मान्यता भी नहीं मिली, उसमें कामकाज भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ है। और जिस बात को की तरफ इशारा कर रहा है कि भीड़ बढ़ी है, तो ठीक बात है, मैं उसको स्वीकार करता हूं कि आरजेडी के शासनकाल में जो व्यवस्था चरमराई थी उसमें स्वास्थ्य भी शामिल था और लोगों की आमद कम हो गई थी। इन लोगों ने एक हल्का शिगुफा छोड़ा, कुछ थोड़े से लोग जुटे, आज फिर वही हालत है। भीड़ जिसकी आंकड़ा बता रहे थे कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग मरीज आ रहे हैं, उसमें ये सच्चाई से बढ़ा करके बहुत बड़ा चला गया। मान लीजिए कि इनके जो दावे हैं उनमें कुछ हद तक सच्चाई तो है ही, कुछ हद तक उसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपको इतनी बड़ी राशि केंद्रीय सहायता में मिली, अब राशि की बात बार बार ना करें क्योंकि राशि पर हम नहीं उलझना चाहते हैं, बिहार की सेहत पर उलझ